fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Hey everyone, welcome back to Glimpse of Happiness. I hope आप सब अच्छे होंगे और अपने gardening works में busy होंगे. पिछली वीडियो में मैंने आपसे share किया था कि अभी आप कौन कौन से important work कर सकते हैं जिनसे आपके garden में पूरे year बहुत अच्छे और fast growth होगी plants की और अच्छे से bloom करेंगे आपके plants. तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपने देखा होगा. नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक ड्रॉप कर देती हूँ. आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है. मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आएगा. और अगर आपने देखा है तो कमेंट क्यों नहीं किया, कमेंट ज़रूर कीजिए. बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में. आई होप आपको पसंद आएगा और इन्फॉर्मेटिव लगेगा ज़रूर. तो आज का वीडियो उन्हीं एक काम में से है. आज मैं समर के फ्लावरिंग बल्ब्स लगा रही हूँ और एक नहीं, आज मैं पांच बल्ब्स लगाऊंगी और वो सारे आपके साथ शेयर करूंगी. कैसे मिट्टी बनानी है आपको उसके लिए और किस तरह से आपको उसमें लगाना है, फिक्स करना है बल्ब को. और इसकी जो अपडेट रहेगी वो ऑब्वियसली एक महीने के बाद रहेगी. वो जैसे ही अपडेट होता है, प्लांट में ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उसकी और उसके बाद आई बटन में उसका भी लिंक ड्रॉप कर दूंगी. तो वो तो आगे आपको देखने को मिल जाएगा. तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बल्ब लगाने के लिए एक अच्छी सी मिट्टी तैयार करते हैं. तो इसकी मिट्टी प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर 60% गार्डन सॉइल लिया है. आप चाहें तो रेत भी ले सकते हैं, इसमें रिवर सैंड ऐड कर सकते हैं. और 10% मैं इसमें कोकोपीट ऐड कर रही हूँ और 10% कॉम्पोस्ट ऐड कर रही हूँ. कॉम्पोस्ट का क्वांटिटी आप कम ही रखिए क्योंकि जब हम प्लांट को ग्रो करते हैं, सॉरी बल्ब को ग्रो करते हैं, तो हमें सिर्फ रूट के डेवलपमेंट पे ध्यान देना होता है और वो इजीली गार्डन सॉइल और कोकोपीट के मिक्सचर से बन जाता है. और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ये नीम कवच. ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है नीम से रिलेटेड और ये पेस्टिसाइड का भी वर्क करेगा. इससे फंगस अटैक नहीं होगा हमारे बल्ब्स पे. और इसमें आप देख सकते हैं कि कॉम्पोस्ट भी ऐड होता है. ये ऑर्गेनिक मैन्योर है. काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे इसका लगा, मैं पहले भी इसको यूज़ कर चुकी हूँ. तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गोबर खाद या फिर किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट आप ऐड कर सकते हैं, वर्मी कम्पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा जब हम बल्ब ग्रो करते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा कॉम्पोस्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है. और कॉम्पोस्ट हमें एक बार जब प्लांट्स में लीव्स निकल आएँ, फ्रूटिंग होने लगे, फ्लावरिंग होने लगे, तभी ऐड करना चाहिए. तो ये एक मैंने वेल ड्रेन मिक्सचर प्रिपेयर कर लिया है और अब हम इसमें बल्ब लगाएंगे. तो फ्रेंड्स, ये नीम कवच मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने इसमें ऐड किया है. अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट हाँ कोकोपीट थोड़ा सा ज़रूर ऐड कर लीजिएगा. उससे बहुत अच्छा जर्मिनेशन होता है और मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है. तो सबसे पहले मैं आपको ये बल्ब दिखा देती हूँ. ये मैंने 5 बल्ब्स लिए हैं और ये मैंने एक एग्जीबिशन से लिए थे और उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगी. आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा. और आप वैसे आप ये लोकल नर्सरी से भी ले सकते हैं. सिमिलर अगर लिंक मुझे अमेजोन का मिला तो वो भी मैं ड्रॉप कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसे आप चेक कर लीजिएगा. तो सबसे पहले हम ये फुटबॉल लिली का बल्ब लगाएंगे और आप देख सकते हैं कि जो ये फ्लैट पार्ट है यहाँ से रूट्स डेवलप होंगे और इसको हमें नीचे की तरफ रखना है और ये जो पॉइंटेड पार्ट है इसको हमें टॉप पे रखना है. तो इस तरीके से बल्ब को हम सेंटर में हल्के हाथ से फिक्स करेंगे और बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखना है इसको. और इस तरीके से आपका ये जो हाफ पार्ट है थोड़ा सा ओपन ही रहे तो अच्छा है. और इस तरीके से हल्का सा मिट्टी इसमें हम डाल देंगे ऊपर से और साइड से हल्के हाथ से मिट्टी को दबा देंगे ताकि इसमें एयर पॉकेट्स ना बने. और बल्ब लगाने के बाद अच्छे से इसको हमने पानी देना है जिससे कि नीचे तक आपकी जो मिट्टी है वो मॉइस्चर हो जाए, मॉइस्ट हो जाए और आपका जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए. फर्स्ट डे आपको अच्छे से पानी देना है इसमें और उसके बाद जब आपकी सॉइल अच्छे से ड्राई हो जाती है, टॉप मोस्ट सॉइल, तभी आपको पानी देना है इसमें. तो सभी बल्ब्स लगाने के बाद इसको मैं थोरली पानी दूंगी और 3 से 4 घंटे की धूप में रखूंगी इसको. और उसके बाद नेक्स्ट मैं ये कैम्फेरिया का बल्ब लगा रही हूँ.
तो फ्रेंड्स जो जो भी ये बल्ब्स हैं इनकी जो फ्लावरिंग इमेज होगी वो मैं साइड में यहाँ पर स्क्रीन पे ड्रॉप कर दूंगी, आप चेक करिएगा। बहुत ही खूबसूरत बल्ब हैं ये और विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की कमी नहीं महसूस होने देंगे आई एम श्योर अगर आप ये बल्ब लगाते हैं। और एक बार अगर आप ये बल्ब ले आएंगे ना तो ये आपके सालों चलते हैं, ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं अंदर ही अंदर और ये एक से कई बल्ब्स बन जाते हैं नेक्स्ट सीजन तक। बस हमें इसी बात का ख्याल रखना है कि इसमें पानी एक्सेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रूट रॉट हो जाता है, बल्ब्स आपके गल जाते हैं अंदर से, तो उस बात का ध्यान रखना है। तो अब नेक्स्ट मैं इसमें लगा रही हूँ रजनीगंधा के बल्ब, इसके मैं दो बल्ब लगा रही हूँ और थोड़ा सा दो, अगर आप 10 इंचेस के पॉट में लगाते हैं तो दो दो बल्ब भी लगा सकते हैं और एक बल्ब से दूसरे बल्ब में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो फ्रेंड्स बल्ब को चूज़ करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बल्ब आपका पल्पी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बिग साइज़ का मैच्योर बल्ब लेकर आएं तो उसमें फ्लावरिंग जल्दी होगी और किसी किसी बल्ब में आपको स्प्राउटिंग भी देखने को मिलेगी, तो वैसे बल्ब लें जिससे कि आपके मतलब उसमें श्योरिटी रहती है, अगर स्प्राउटिंग आपको दिख जाती है तो उसके चांसेस होते हैं जर्मिनेशन के, तो ट्राई करें कि वैसा बल्ब आपको मिले जब आप नर्सरी से विजिट करके बल्ब को लेकर आएँ। तो इस बल्ब को भी आप देख सकते हैं जो इसका पॉइंटेड पार्ट है हमने ऊपर रखा है और जो फ्लैट बेस है उसमें नीचे रूट्स डेवलप होंगी इसकी, तो इसी तरीके से इसको लगाना है। और बल्ब जब भी हम लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगाना होता है, थोड़ा ऊपर ही लगाना होता है, वो सभी बल्ब में यही प्रोसीजर रहता है। तो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमने ये बल्ब भी लगा लिया और इसका नाम है करक्यूमा जिडोरिया, ये साइंटिफिक नेम है इसका, जनरली इसको करक्यूमा लिली भी बोलते हैं। और इसमें तीन कलर ऑप्शंस रहते हैं, पिंक, पर्पल एंड वाइट, मैंने पर्पल कलर लिया है। तो अगले कुछ महीनों बाद मैं इसकी अपडेट का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, इन सभी बल्ब्स का किस तरीके से ग्रोथ हुआ है उस पर एक सेपरेट वीडियो आप देखना मत भूलिएगा, मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करूंगी जैसे ही इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट बल्ब मैंने लिया था ऑरेंज ग्लोरी का और इसको आप देख रहे हैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टली लगाना है हमें और इसमें ऑलरेडी स्प्राउटिंग हुई हुई है। मेरे अधिकतर जितने भी मैंने फ्लावरिंग बल्ब लिए हैं उनमें थोड़ी थोड़ी सी स्प्राउटिंग मैंने देख कर ही लिए थे, सभी में हो रही है, तो उम्मीद है कि ये सारे ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो बल्ब लगाने के बाद आइसक्रीम स्टिक या किसी और स्टिक की हेल्प से नेम टैग ज़रूर कर दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आपने कौन सा बल्ब लगाया है। तो फ्रेंड्स हमने बल्ब लगा लिए, बल्ब लगाने के बाद हम इसमें थरली पानी देंगे और उसके बाद हमें बस इसी बात का ध्यान रखना है कि इनको प्रॉपर अच्छे से धूप मिले और ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा सा भी अगर कहीं पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट मैं ज़रूर दूंगी, वो देखना ना भूलेगा आगे के व्लॉग्स। Bye bye and happy gardening!